तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम वेदांत और आप देख रहे हैं टेक्निकल गेम। और आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, बल्कि दिखाने वाला हूँ कि मेरे नए कॉशन ईच गेमिंग हेडफोन्स वो मैंने अमेजोन से खरीदे थे, आज लगभग बाय किया मैंने अमेजोन से। तो मैं उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आ जाकर वो प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे गेमिंग टाइप हेडफोन्स है और इसकी प्राइस भी लगभग 800 के ऊपर नीचे है। अमेजोन पे प्राइस ऊपर नीचे होती ही रहती है, तो आपको अमेजोन पे आसानी से मिल जाएंगे। तो उसकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, बेस भी अच्छा है उसका, गेमिंग हेडफोन्स की तरह लगते भी है। तो चलिए जल्दी से बिना किसी टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपनी अनबॉक्सिंग। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा कॉशन ईच का हेडसेट, ये जो कि इसके कंपनी का नाम है कॉस्मिक बाइट। तो ये है गेमिंग हेडफोन है, ये गेमिंग के दौरान इस्तेमाल किया जाने वाला बजट हेडफोन है, बहुत ही अच्छा टिकाऊ हेडफोन है। तो चलिए जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर से कौन सा जानवर निकलता है। चलिए हम पहले इसको खोल लेते हैं। तो ये रहा हमारा बबल रैपिंग के साथ आया हुआ गेमिंग हेडफोन्स। तो चलिए इसे जल्दी से खोलता हूँ और इस बॉक्स को साइड में रख देता हूँ। और ये रहे हमारे बबल रैपिंग के साथ हेडफोन्स अंदर पैक किए हुए। तो ये रहा दोस्तों हमारा हेडफोन, देखिए दोस्तों, ओ ये रहा हमारा हेडफोन। तो बहुत ही कूल दिखता है ये हेडफोन्स और बजट में भी है बहुत। तो कुछ इस टाइप का दिखने वाला है ये हेडफोन, साथ में इसके साथ एक माइक भी आता है। ये देखिए, ये माइक है इसके साथ में और ये इसका कुशन पैड है, ये देखिए। और आप यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी आवाज़, बोल सकते हैं गेम के दौरान, आप अपनी आवाज़ को बोल सकते हैं। तो ये देखिए, इसकी डिज़ाइन तो काफ़ी कूल लगती है मुझे। तो ये गेमिंग का ही दिखता है हेडफोन्स, असल में मतलब ऐसे फीलिंग आती है गेमिंग का ही हेडफोन है। तो ये बहुत ही ऐसे कूल लगता है हाथ में पकड़ने के लिए। और यहाँ से इसको अगर स्ट्रेच किया जाए तो ऐसा थोड़ा बड़ा हो जाता है, ये कंफर्टेबल फिट। तो देखिए, ये ऐसा गेमिंग हेडसेट है। और दोस्तों, ये रहा हमारा कंट्रोलर, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये दिख रहा है जो आपको, ये आवाज़ वॉल्यूम बढ़ाने का है, तो इससे आप वॉल्यूम बड़ा छोटा कर सकते हैं चाहिए तो। और यहाँ पे है एक ऑन ऑफ का ऑप्शन, आप इसको ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। ये ऑन ऑफ स्पेशली ये माइक का ही ऑप्शन है, ये हेडफोन का ऑप्शन नहीं, मतलब आवाज़ नहीं आएगा वैसा नहीं है, ये माइक का ऑप्शन है। तो आप अगर इसको ऑन रखेंगे तो ये माइक का आवाज़ दूसरों की तरफ जाएगा और रिकॉर्ड हो जाएगा। और तो चलिए इसकी वायर देखते हैं कितनी लंबी है। तो जल्दी से इसको मैं खोलता हूँ। तो देखिए, ये रही इसकी वायर, काफ़ी लंबी वायर है इसकी। तो देखिए, काफ़ी लंबी वायर है। तो पहले तो मैं इस प्लास्टिक को हटा देता हूँ। तो देखिए, यहाँ से आप अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं ऐसे, जिससे पिन लगा के वहाँ पे, और हेडफोन का काम शुरू हो जाएगा। तो इसका आवाज़ क्वालिटी के बारे में बात की जाए तो इसकी आवाज़ क्वालिटी बजट के हिसाब से ठीक है। मतलब आपको अगर बहुत ही
एक्स्ट्रा अल्ट्रा साउंड क्वालिटी चाहिए होगी तो आप महंगे वाले हेडफोन्स खरीद सकते हैं, पर इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, कोई शक नहीं है इसमें। ऑडियो की क्वालिटी मस्त है बजट के रेंज के हिसाब से, तो ये अच्छी क्वालिटी का है। और देखिए ये है इसकी वायर, और ये इसका कंट्रोलर, और ये इसकी काफ़ी लंबी चौड़ी वायर है, ऐसे एकदम ब्लू कलर का फिनिश है इसके साथ। तो ये सिल्वर वो शाइनी कलर्स इसके बहुत ही अट्रैक्ट करते हैं। और ये इसको एलईडी भी नहीं है, एलईडी नहीं है, वायर्ड है, और इसको कोई अदर कनेक्शंस नहीं है, सिर्फ ये एक वायर ही है, अदर कनेक्शंस नहीं है। और ये माइक है, इसकी माइक की क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये बहुत ही दूर की आवाज़ें सुन लेता है, जिसकी वजह से बहुत नॉइज़ भी आता है, इसलिए ये माइक इतना भी कुछ खास नहीं है। तो मैंने एक ईयरफोन्स ख़रीदे थे जिसकी प्राइस है 300 रुपीज़, तो ये रहे वो हेडफोन्स। तो ये भी काफ़ी अच्छे हेडफोन्स थे, मुझे इसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं लगा, बस थोड़ा सा फ़र्क है कि इसमें ये हेडफोन्स में आवाज़ भी अच्छा था, इसमें भी अच्छा था, बस फ़र्क क्या था ये हेडफोन में कि इस हेडफोन का आवाज़ क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी थी, वो भी किस में, सपोज़ अगर राइट से आवाज़ आए तो राइट से ही आता है, और लेफ़्ट से आवाज़ आए तो लेफ्ट से ही आता है, तो ऐसा इसका ये था। तो बट इसमें इतना क्लियरली नहीं सुनाई दे रहा था, लेफ़्ट का आवाज़ लेफ्ट से और राइट का आवाज़ राइट से, तो इसमें इतना क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा था, तो इसलिए मैंने ये वाले हेडफोन्स लिए। ये आपको बजट के हिसाब से बहुत ही अच्छे हेडफोन्स है, मतलब गेमिंग के लिए तो बहुत ही अच्छे, अगर आपको कोई गेमिंग में परफॉर्मेंस हो तो कोई लैग नहीं देखने को मिलेगा आपको इसमें, और इसमें राइट का आवाज़ लाइट से आता है, लेफ्ट का आवाज़ लेफ्ट से आता है, वो अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस हेडफोन्स की। तो बात करते हैं भाई इसके हेडफोन्स की प्राइस रेंज की, तो इस हेडफोन की प्राइस रेंज है लगभग 800 रुपये, क्योंकि अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे फ्लक्चुएट होते रहते हैं, कभी कम ज़्यादा होते रहते हैं, तो इसलिए 800 है इसकी प्राइस। तो बजट के हिसाब से ये बहुत ही अच्छे हेडफोन्स हैं, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये आप 600 के दौरान यूज़ करें, मतलब जब इसकी प्राइस 600 हो जाएगी तब यूज़ करें। तो ये भी हेडफोन्स इसके कंपेयर में टक्कर के थे, बस फ़र्क ये है कि इसमें एक एक्सटर्नल माइक है और ये आपके कानों के ऊपर लगता है, और ये बस एक सादा प्राइमरी है जो आपको कानों के अंदर बिठाना पड़ता है, इसमें माइक वगैरह कुछ भी नहीं है। इसकी क्वालिटी मुझे, दोनों की क्वालिटी अच्छी है, बट इसमें थोड़ा सा ज़्यादा इफ़ेक्ट है वॉइस का, और इसमें इतना कुछ ये नहीं। तो ओवरऑल इस हेडफोन के बारे में बोलूँगा मैं कि ये एक नंबर का बजट हेडफोन है। आपको अगर गेम खेलना है, मतलब आप प्राइमरी गेम्स खेलते हैं, मतलब जैसे कि थोड़े वक्त के लिए गेम खेलते हैं, या फिर आपको गेम खेलना पसंद है ज़्यादा, तो ये हेडफोन्स काफ़ी अच्छे। अगर आपको कोई एकदम बेस्ट हेडफोन्स चाहिए तो आपके लिए प्राइस रेंज के हिसाब से ज़्यादा भी हेडफोन है, पर आप एक अगर गेमर हो और आपको एक सादे हेडफोन्स चाहिए तो आप, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि यही आप हेडफोन्स लो, क्योंकि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हेडफोन्स है ये, अच्छी क्वालिटी आती है इसकी। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुझे बताना कमेंट्स में कि आपको ये हेडफोन हेडसेट कैसा लगा कॉशन ईच का, कॉस्मिक बाइट का। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Did anybody out there hear me?